आज हम देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय अनदर इंटीजर वुड मीन मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट वन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखो तो रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल आ गया है यहाँ पे। रेसिप्रोकल हम लोग इसके जस्ट पहले भी पढ़ चुके हैं। रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं? तो रेसिप्रोकल मीन्स होता क्या है, ये पहले देख लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है? मान लो कि अगर पूछा जाए कि 3 का रेसिप्रोकल होता है, तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। अगर पूछा जाए कि -5 का रेसिप्रोकल, तो 1/-5। अगर पूछा जाए कि -1/3 का रेसिप्रोकल बताइए, तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। मीन्स रेसिप्रोकल वो नंबर होता है जब हम उस नंबर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हम लोग पढ़े हैं वही सेम रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल समझ में आ गया होगा। जैसे 3 और इसका रेसिप्रोकल कितना है, 1/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितना आता है, 1। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में भी यही था कि जब हम लोग किसी भी इंटीजर को उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। यह था हम लोग का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जान लेने के बाद हम लोग देखते हैं कि डिवीजन जो है, इंटीजर का डिवीजन वो कैसे हम लोग करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल हम लेते हैं। हम लोग डिवाइड करना है 32 को, डिवाइड करना है -4 से। 32 इज डिवाइडेड बाय -4, तो 32 को 4 से डिवाइड करना है। मींस यह इसका मतलब यह है कि 32 को मल्टीप्लाई करना है -4 के रेसिप्रोकल। ठीक है, ये लिखा है डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय अनदर इंटीजर वुड मीन मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट वन, या फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वन, इस फर्स्ट वन को क्या करना, हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो -4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-4। अब हम लोग को पता है कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 4 से इसको हम लोग डिवाइड करें, मीन्स 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो यह आएगा -1। मीन्स 4 को -4 है, इसको 4 से डिवाइड करें तो -1 टाइम, और इसको 4 से करेंगे तो 8 टाइम्स में। तो ऊपर 8 1 जा 8 8 -8/-1, मीन्स कितना जाएगा, -8 आ जाएगा। अगर हम लोग साइन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डिवाइड करें तो माइनस प्लस क्या है, तो उसके लिए साइन के लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो कि अगर एक निगेटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, तो निगेटिव आएगा। या पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं निगेटिव से, तो भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यानी डिफरेंट साइन अगर होगा, साइन क्या होगा, अगर डिफरेंट होगा तो जो इंटीजर्स जो भी हम लोग वैल्यू आएगा उसमें हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज निगेटिव वैल्यू आएगा। जैसे मल्टीप्लीकेशन में था, डिफरेंट साइन में ऑलवेज जो प्रोडक्ट आता था वो कैसा आता था, निगेटिव। वैसे यहाँ पे जो डिवीजन है, डिवीजन में और डिफरेंट दो साइन है उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो जो कोसेंट आएगा, कोसेंट जो आएगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ देखो नेक्स्ट देखते हैं, अगर पॉजिटिव है इसको अगर पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, या निगेटिव है, निगेटिव नंबर है, निगेटिव इंटीजर, उसको निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना है तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यह पॉजिटिव था 32 और यह क्या है, निगेटिव है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे हम लोग -8 लिखेंगे, क्योंकि यह पॉजिटिव है और यह निगेटिव है। तो 4 से जब 32 को डिवाइड करें, -4 से 32 को, तो कितना आएगा, -8 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो हो गया एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और दोनों निगेटिव हो जाए, जैसे कि मान लो -12 और इसको डिवाइड करना है हम लोग को -3 से, -12 को -3 से डिवाइड करना, तो कैसे डिवाइड करना, तो -12 का तो -12 लिख देंगे, फर्स्ट वन वैसे लिख देना है, और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो सेकेंड के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/-3 होगा। ठीक है, तो 1/-3, तो यह 3 है, यह 12 है, दोनों का साइन क्या है, माइनस माइनस है, तो -3 4 12 होगा। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव कोसेंट आएगा। क्यों पॉजिटिव कोसेंट आया, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह क्या है, निगेटिव नंबर था। ठीक है, निगेटिव है इसलिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो पहले से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मान लो 120 डिवाइडेड बाई 6,
इसको डिवाइड करना है, तो 120 इंटू और 6 का कितना लिखते हैं हम लोग 1 बाई 6, 6 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बन गया 20 का, इसमें आंसर कितना आ जाता है 20 आ जाता है। तो यह हम लोग का डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, अगर दो इंटीजर्स है तो उसको कैसे डिवाइड करना है, उसके साइन क्या लेंगे हम लोग क्वेश्चन में। तो जब डिफरेंट साइन होगा तो निगेटिव आएगा, चाहे वो तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, या पहला निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तो भी क्या आएगा निगेटिव। लेकिन जब दोनों का साइन सेम होगा, दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ही है तो क्या आएगा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यह तो हो गया हम लोग का हाउ टू डिवाइड टू इंटीजर्स। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, कि प्रॉपर्टीज क्या है इसका, डिवीजन का प्रॉपर्टी क्या क्या है। अब देखें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, यह क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी अब बोल रहा है कि क्या दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे, दो इंटीजर्स को डिवाइड करें तो क्या हमेशा वो क्या होगा इंटीजर होगा। देखो देखते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग लिखे हैं 12 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो इसको कितना लिखते हैं 12 इंटू 1 बाई 4, दैट मीन्स 3, कितना आ गया 3 आ गया। तो देखो 12 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है और 3 भी क्या है इंटीजर है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं -21 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल्स टू, तो यहाँ देखो लिखेंगे -21 और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना से -3 के रेसिप्रोकल से, तो -3 का रेसिप्रोकल 1 बाई -3, -3 से 21 कैंसिल करें कितना आएगा 7, क्यों 7 आया क्योंकि दोनों यहाँ पर निगेटिव था, ठीक है। तो प्लस में आए तो -21 इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है और -7 भी क्या है इंटीजर। एक एग्जांपल और देखते हैं, मान लो यहाँ पर आ गया -21 डिवाइडेड बाय -4, अब इसको कितना लिखेंगे हम लोग, तो लिखा जाएगा -21 इंटू 1 बाई -4, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है -21, क्योंकि तो इसमें कोई भी डिवाइड होने वाला नहीं, क्योंकि 4 के टेबल में 21 नहीं आता है, तो 21 नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे -4 से इसको जब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 और -4 का -4 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 21/4 आया। तो क्या यह एक इंटीजर है, 21/4 इंटीजर है, यह इंटीजर नहीं है। तो क्या हो रहा है, कुछ कंडीशन में फॉलो कर रहा है कि दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहा है तो इंटीजर आ रहा है, लेकिन कुछ जो कंडीशन है उसमें यह फॉलो नहीं कर रहा है। तो फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है इंटीजर्स जो है यह जो डिवीजन है वो हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। सम केसेस कुछ केस ऐसा होगा जिसमें यह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यह क्या है, यह हम लोग का रेशनल नंबर है या तुम फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, यह क्या है रेशनल नंबर है। और इंटीजर जो होता है सभी इंटीजर वह रेशनल नंबर होता है, लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स ऑलवेज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं हम। तो देखो इसमें कहने का मतलब यह है कि a डिवाइडेड बाई बी यह बराबर नहीं होगा b डिवाइडेड बाई a, ठीक है। मीन्स यह जो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो देखो जैसे कि अगर यहाँ पर हम लिखे 12 डिवाइडेड बाई -3, तो कितना आएगा 12 इंटू 1 बाई -3 लिखेंगे, क्योंकि -3 का क्या हो गया इनवर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। अब -3 से जो कटाएंगे तो कितना आएगा -4, क्योंकि माइनस में प्लस में है, आंसर कितना आ गया हम लोग का -4। लेकिन इसी को उल्टा करो तो -3 इज डिवाइडेड बाई 12, तो -3 इसको कितना लिखेंगे -3 इंटू 1 बाई 12, और इसको जब हम लोग सब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -4, 3 4 जाए 12 और एक माइनस एक प्लस तो माइनस वैल्यू आएगा, यानी 1 बाई -4 आया। तो देखो यहाँ पर -4 है और यहाँ पर 1 बाई -4 है, दोनों सेम नहीं हुआ। तो जब दोनों सेम नहीं हुआ तो जब कोसेंट सेम नहीं आया मीन्स यह
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई फॉलो नहीं करता है। डिविजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, उसमें तो हम लोग ग्रुप चेंज करते थे और जो भी ऑपरेशन जैसे कि मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कोई भी हो, अगर उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कोई फॉलो नहीं करेगा, यह हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि भैया यहाँ पर पाने हम लगाए ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी विल नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। अगर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखें कैसे होता है, तो ए का वैल्यू हम लोग मान लिए 3, बी का वैल्यू मान लिए मान लो 4 और सी हो गया मान लो 2, ठीक है। तो ए का वैल्यू अब यहाँ पे देखो, इसको हम ले चलते हैं LHS को, तो LHS में क्या है a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, तो a को a के जगह पर 3 डिवाइडेड बाई b, b कितना है 4 डिवाइडेड बाई c कितना है 2, तो 3 डिवाइडेड बाई और 4 डिवाइडेड बाई 2, तो पहले दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2, यानी यह हो गया 3 * 1 / 2 हो गया, तो 3 * 1 / 2 कितना आएगा 3 / 2 आएगा। RHS इसका लो, तो RHS में क्या आया होगा a डिवाइडेड बाई b एंड डिवाइडेड बाई c, तो पहले a को b से डिवाइड करेंगे यानी 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 जो है 3 इंटू 1 बाई 4 लिखेंगे और फिर 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 3 बाई 4 आएगा डिवाइडेड बाई 2, तो फिर इसको कितना लिखेंगे 3 बाई 4 इंटू और 2 का रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो 1 बाई 2, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 3 बाई 8 आया, मतलब यहाँ 3 बाई 8 आया, यहाँ 3 बाई 2 आया, दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी डिवीजन फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 1 में क्या है हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ 1 कह रहा है कि अगर किसी भी इंटीजर को, किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं, किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही इंटीजर है, लेकिन अगर किसी इंटीजर से 1 को डिवाइड करते हैं, किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल मिलेगा, इसका क्या मिलेगा रेसिप्रोकल, ठीक है। और यह 1 बाई ए क्या है रेसिप्रोकल ऑफ ए, ठीक है। तो अगर 1 को a से डिवाइड, 1 को अगर किसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो उस इंटीजर का रेसिप्रोकल मिलेगा, अगर किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वह इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो यह था प्रॉपर्टी ऑफ 1। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे आप लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना आएगा या माइनस 3 होगा, ठीक है। लेकिन 1 को हम लोग डिवाइड करें किससे, माइनस 3 से, 1 को डिवाइड कर रहे हैं माइनस 3 से, तो यह आएगा 1 बाई माइनस 3, ठीक है। तो यह था प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो प्रॉपर्टी ऑफ 0 में क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ 0 में क्या है, तो अगर किसी भी इंटीजर को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 0 से डिवाइड करेंगे, तो यह नॉट डिफाइंड, यह डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 0 में किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आता है 0 आता है, क्या आता है 0। a को अगर 0 से हम डिवाइड करेंगे और a जो होना चाहिए इंटीजर जो है, मींस अगर कोई इंटीजर है जो नॉन जीरो इंटीजर है, क्या है नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब यह जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर a को हम लोग किसी जीरो से, मींस किसी इंटीजर को 0 से डिफाइन कर डिवाइड करेंगे तो डिफाइन नहीं होगा या वैलिड नहीं होता है। 0 को किसी नॉन जीरो इंटीजर से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, जैसे देखो 3 डिवाइडेड बाई 0, सपोज 13 डिवाइडेड बाई 0, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 0 को हम लोग डिवाइड कर दे 13 से तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, जैसे कि a से हम लोग एक इंटीजर ले रहे हैं a डिवाइडेड बाय b प्लस c, तो यह जो है यह इक्वल नहीं होता है a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, यह दोनों इक्वल नहीं होता है, मींस डिवीजन जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम, मान लो कि हम लोग a के जगह पे 4 डिवाइडेड बाय b के जगह पे माइनस 2 और प्लस c के जगह पे 1 लिखते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, या LHS हम लोग लेके चलते हैं LHS, तो 4 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे
तो कितना आ रहा है इसका वैल्यू देखो, माइनस वन, फोर को माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस फोर आएगा, ठीक है। हाँ, उस समय हम लोग जो प्रॉपर्टी ऑफ वन जो पढ़े थे उसमें प्रॉपर्टी माइनस वन से किसी इंटीजर को डिवाइड करते हैं, ए डिवाइडेड बाय माइनस वन, मीन्स अगर कोई इंटीजर ए है जीरो को छोड़ करके, तो जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, माइनस ए हो जाएगा, मीन्स थ्री है, इसको डिवाइड करें माइनस वन से कितना जाएगा, माइनस थ्री। अगर यह माइनस टू है मान लो, कोई इंटीजर निगेटिव है, इसको अगर माइनस वन से डिवाइड करें कितना आएगा, प्लस टू आ जाएगा, ठीक है। मीन्स ये इंटीजर आ जाएगा, जब वन से माइनस वन से जब डिवाइड करेंगे किसी निगेटिव इंटीजर को तो वह पॉजिटिव इंटीजर में चेंज रहता है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस फोर। अब आर एच एस अगर हम इसका लेकर चलें, इसका आर एच एस को, तो ए डिवाइडेड बाई बी मीन्स फोर डिवाइडेड बाई माइनस टू और प्लस फोर डिवाइडेड बाई वन। तो फोर से वन को डिवाइड करना है, फोर से माइनस टू को, तो फोर को माइनस टू से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, यह माइनस टू आएगा, क्योंकि अगर सॉल्व भी करते हैं हम लोग, जैसे कि फोर इंटू वन बाई माइनस टू प्लस, अब फोर को जब वन से डिवाइड करते कितना आएगा, फोर आएगा, यह इसे कटेगा माइनस टू, तो माइनस टू वन जा माइनस टू और प्लस फोर कितना आएगा, माइनस सॉरी प्लस टू आ गया, कितना है प्लस टू, यहाँ पर कितना है माइनस फोर, दोनों इक्वल नहीं है, तो यह क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर ओवर एडिशन जो है डिविजन के लिए वो फॉलो नहीं करता, ठीक है। Division do not follow distributive properties.